हाँ जनाब, 6,500 रुपया किराया, खाना पीना अपना, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, सारे बिल आपने अदा करने हैं, रकम एडवांस। सर तो फ्लैट में फर्नीचर तो ठीक है ना? फर्नीचर वाला उसके साथ वाला है, वो 7,500 रुपए का है। अच्छा नहीं सर, वो तो बहुत ज्यादा है। सर थोड़ा सा कम नहीं हो सकता? 6,000 तो बहुत ही ज्यादा है। कम हो सकता है बच्चे? आप बेशक यहाँ सो जाएं, सुबह म्युनिसिपल वाले आपको पूरा कट कट समझ कर ले जाएं, तो मुझे जिम्मेदार ना ठहराना। आपने फ्लैट लेना है बच्चे तो लें, नहीं तो रास्ता ना पे। अच्छा सर एक गुजारिश है, अब देखें कि मुझे ऐसा कोई नौजवान लड़का जिसको फ्लैट किराए पर लेना हो वो आए, और जिसको जरा मदद की जरूरत हो तो मैं उसे रूममेट बना लूंगा, उसका बोझ भी कम हो जाएगा, लेकिन आपके पैसे हम पूरे देंगे। वो पहली मंजिल पर 4B फ्लैट है, उसका हैंडल जरा टूटा हुआ है, वो आप ले। हैंडल टूटा हुआ है? जो ठीक ठाक हैंडल वाला है वो 9,500 रुपए का, वो मजीद ऊपर वाली। नहीं नहीं सर वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सर फ्लैट तो साथ है ना? डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है, वो 12,500 पर भी हो सकता है। नहीं सर, थैंक यू सर। जी आप क्या रहते हैं? जी नहीं, अंदर दरियारा भी है जिसमें बैठ के मछलियां पकड़ा हूं। मुझे फ्लैट 4B में जाना है। अच्छा मेरी तरफ चल दे, गुड बाय। फ्लैट 4B तो यही है। हाय मेरा नाम लतीफ है, लेकिन सारे मुझे लूसी कहते हैं, पता नहीं क्यों। मैं आपके साथ फ्लैट शेयर करूंगा। और किराया भी? ओ देन कम इन। वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? जॉनी, और प्यार से लोग मुझे जॉनी ही कहते हैं। लूसी तो अपना सामान तो ले आओ। और सुनो, ये मेरा फ्लैट, मैं बहुत खतरे दिमाग आदमी हूं, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा, और तुम भी समझे। और ये क्या, इसे उठा के खुद मेरे को ताकि मैं नजर ना आए। चलो जॉनी, आपको तकलीफ तो होगी लेकिन थोड़ी सी हेल्प कर दे। साड़ा वा रूममेट है, खैर नेवर माइंड। तो जॉनी आप पढ़ते हो या काम करते हो या क्या करते हो? अच्छा ये करते हो, तो मैं आपको तुम कहूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से अगर पहरा भेंगा गेंडा वींगा चिब्बा कहूं तो भी माइंड नहीं करेंगे। हेलो, आप यहाँ रहते हैं क्या? जी आप जॉनी के दोस्त हैं? जॉनी? जॉनी कौन? मेरा नाम तो टिमी है, मैं अभी यहाँ पर नया नया शिफ्ट हूँ। मालिक मकान ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर पहले ही 2 लड़के रहते हैं, मैंने सोचा इस तरह मेरा किराया भी कम हो जाएगा। देन वेलकम टू द क्लब। थैंक यू। तुम्हारा सामान क्या है टिमी? मैं अपना सामान खुद ही हूँ, ये किताब, ये बस्ता, ये ऐनक, यही मेरा तमाम तरह था है। तो तुम ये कपड़े लगाने पहनोगे? हाँ मेरे दोस्त, और मुझे इनको पहनने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। टिमी ये जॉनी है, पर ये जिगर है, बस इसका सेंसेस में जरा सा फर्क है। मुझे यकीन है कि हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। अच्छा मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, आजकल के जमाने में किसी को सलीका मंदाना मजाक करना आता है भला? पुराने जमाने थे, तंजो मिजाज से भरपूर, नील साइमन, ऑस्कर वाइल्ड, इब्ने इंशा, मुश्ताक यूसफी, किस कदर सुलझे हुए लोग, किस कदर शौक और करीने से इंसान को हंसाते थे, मगर जल्दबाजी और दुनियावी हवस ने इंसान को अंधा बना दिया है। खैर मुझे तो कुछ बरकर दिखाना है। अच्छा आप इस स्कूल में हेडमास्टर क्यों लग जाते, बच्चों को मुर्गा बन के दिखाइएगा। कम ऑन गाइस, पहले दूसरे को जान तो लें, फिर लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे। अभी तुम्हारे नेबर्स को पता भी नहीं चला कि हम यहाँ आए हैं और लड़ाई शुरू। मेरी, तुम कुछ परेशान हो?
कुछ ज़ारा कुछ ना पूछ, हमारी जिंदगी तो तारीख हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें याद है वो सामने वाले फ्लैट में जो दो लड़के रहते थे, कितने बदतमीज थे और हमारी जिंदगी अजीरन की हुई थी। कौन? वो दोनों, निकू और टीटू? सारी सारी रात इतना ऊंचा म्यूजिक सुनते थे, मुझे तो ख्वाब में भी लगता था मेरे कान में कोई टीन के बर्तन बजा रहा है, और हमारे बेचारे कुत्ते को भी मुंह चढ़ाते थे, और सुबह हमारा अखबार भी तो चुरा के ले जाते थे। और वो पढ़ने के लिए नहीं चुराते थे। तो फिर किसके लिए चुराते थे? नाखून काटने के लिए कालीन पे बिछाते थे। खुदा किसी को ऐसे हमसाए ना दे, कम अज कम म्यूजिक तो इतना ऊंचा ना सुनते ना। और हमारे प्यारे कुत्ते मैक्स को मूवी ना चढ़ाते। लेकिन क्या हुआ उन दोनों को? इससे भी बुरी खबर है, उनके फ्लैट में अब और लड़के आ गए, और एक नहीं दो नहीं तीन तीन। ओ नो, मजीद तीन लड़के कहां से आ गए ये तीनों? अब ये भी सारी रात ऊंचा म्यूजिक सुनेंगे और नींद हराम कर देंगे। लेकिन तुम भी देख लो, इससे पहले कि वो हमें तंग करें हम उनको यहां से भगा देंगे। आइडिया क्या है? वही पुराना वाला। लेकिन बीनेश कहां है? बीनेश अम्मी के पास बैठी थी, अब्बू का खत आया हुआ ना, वो अम्मी को पढ़ के सुना रही है। सारी दुनिया की माएं अपने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाती हैं, और एक हमारी अम्मी है, हम उनको पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं। अच्छा खैर, वॉक का टाइम हो गया, अब चलते। जारा बेटा। जी मम्मी। चला किधर? चलो चलो, अच्छी बात है, नहीं तो आज हो जानी थी बल्ले बल्ले। महरीन, ज़ारा, बीनेचे, तुम्हारा कुत्ता मैक्स मिल गया है। वाह, हमारे मोहल्ले में तीन लड़के घूम रही है, देखने में तो अच्छी है। टिमी टिमी टिमी, जरा अपने राय दो। वैसे तीनों इस काबिल हैं कि राय दीजिए, शादी कर ली जाए। शादी के बारे में तुम जानते ही क्या हो? अरे पगले, शादी तो जिंदगी की वो वाहिद बंदिश है जो इंसान को नाकाबले बर्दाश्त हद तक गमगीन और चिड़चिड़ा बना देती है। अगर कोई मुहज़्ज़िब शख्स इसमें से निकलना भी चाहता है तो उसके रिश्तेदार, इस माशरे के लोग उसको मजीद अजियतें पहुंचाते हैं, जहां तक कि वो अपनी दिली ख्वाहिश ही भूल जाता है। मेरे दोस्त, शादी तो ताश का वो जुआ है जिसमें इंसान अपने पते देखे बगैर जिंदगी की बाजी लगा देता है। पते अच्छे पड़ जाएं तो क्या कहने, वरना हुए मर के हम जो रुसवा हुए, क्यों न घर के दरिया। तो ये सारी बातें बैठ के भी तो हो सकती थी। शादी हाँ। लड़के से बहुत गहरा रिश्ता रखता है तुम्हारा, तुम तो बिल्कुल नामीद ही हो गए हो। चिकम बख्त उम्मीद ही तो है जो कहीं का नहीं छोड़ती। मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी में तो हर तरफ काली घटा छाई है, लेकिन उम्मीद है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मी तो मेरे दोस्त महबूब की उस जात की तरह है जो कि लाशऊर का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि इसने मुझे दुख देने के सिवा और कुछ भी नहीं किया। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं भी अपना काम ज्यादा दिल लगा के करूं।
और अपना ज्यादा से ज्यादा दिल अपने काम ही में लगा के रखो। टिमी, तुम दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्हें अपने काम और अपने करियर में जिंदगी की हर खुशी नजर आती है। तुम्हें भड़कीले कपड़ों में मजबूत लड़कियां और ढह-ढह करती डांस पार्टी बिल्कुल ड्रैग नहीं करती। तुम्हें कामयाब इंसान की पहली स्टेज हो। बिल्कुल सही दोस्ती, वे लड़कियों डांस पार्टीज के बगैर कामयाबी वैसे ही है जैसे चाबी के बगैर BMW। मैं तो कभी ना लूं। तुमने अपनी जिंदगी में देखा है क्या है? चिड़ियाघर, लकी वाटर पार्क, 3 सर वाला अजदा और 1-2 धर वाला बच्चा। तुमसे तो यार वो शख्स बातें करे जो 2 वही बड़ा उठा के आया। यार टिमी, हमारे मोहल्ले में 3 लड़कियां आई हैं, महरीन, जारा और बेनिश। महरीन मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है, जारा कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में, और बेनिश ए लेवल्स कर रही है। हाउ इज दैट क्लीन बोर्ड यार, ये सारी मालूमात इतनी जल्दी, थोड़ी चीज है। नहीं, एक बात ऐलान करते हैं, मुझे कतई शर्म महसूस नहीं होती कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स आई एम बाय फार द बेस्ट। जान, कितनी बुरी बात है, हमें यहां पर आए हुए अभी चंद घंटे ही गुजरे हैं और तुम उन मासूम लड़कियों के पीछे पड़ गए। मुझे तो कितनी मासूम और भोली भाली लगती है वो। मेरा तो ख्याल है कि जब भी वो घर से निकलती होंगी तो चादर लपेट कर निकलती होंगी। जी, हम लोग अंदर आ सकते हैं? आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए? दरअसल हम लोग शिकारपुर के रहने वाले हैं। वो दरअसल कल रात कुछ ऐसे तूफान आया कि वो हम लोगों के जो पुदीने के जंगलात थे वो किसी दूसरे मुल्क जा गिरे। हम उसी की तलाश में निकले हैं। अगर आप पानी पिला